होटल में आपका स्वागत है। मैं बजरंग स्टडीज के माध्यम से यतेंद्र सिंह आप लोगों के साथ में एक विशेष सूचना के लिए आया हूँ। 9th एवं 10th क्लास के जो ऑनलाइन कक्षा का अपना जो प्रक्रम चल रहा था, उस प्रक्रम को हम लोग कुछ दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। स्थगित का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को पढ़ाई रोक देनी है। पिछला काफी सारा वीडियो आपके सामने पड़े हुए हैं, एक डाटा पड़ा हुआ है, उसको आप लोग लगातार रूटीन करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। केवल ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि राजस्थान बोर्ड से एक विशेष सूचना प्रसारित हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 40% कोर्स को कम करेंगे। तो वो 40% कोर्स आपका कौन सा कम होगा? मैथमेटिक्स में प्रश्नावली कम होगी, टॉपिक कम होगा, या फिर आपके पास में इंग्लिश के अंदर ग्रामर में से कम होगा, बुक में से कम होगा, ऐसे हिंदी के अंदर ग्रामर में से कम होगा, बुक में से कम होगा, संस्कृत के अंदर ग्रामर में से, बुक में से, एसएस के अंदर कौन कौन से पार्ट हटेंगे, साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक या पार्ट हटेंगे, ऐसा कुछ संदर्भ में आया है कि जो कि राजस्थान बोर्ड ने ये तो कहा है कि 40% कोर्स कोरोना के चलते कम किया जाएगा, लेकिन कौन सा कम किया जाएगा ऐसी सूचना आई नहीं है। जैसे ही इस प्रकार की सूचना हमारे पास आएंगी तो आपका जो शेष सिलेबस है वो लगातार पुनः कंटिन्यूस होगा और आपके सामने सूचना आ जाएगी। जब तक आप लोगों से केवल और केवल मेरा और पूरी टीम का यही अनुरोध है कि आप लोग पिछले को आप लोग बार बार रिवाइज करते रहें और लगातार अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित बनाए रखें। काफी डाटा आपके पास में है। जैसे ही विद्यालय खोलेंगे हम आपके साथ में ऑफलाइन जुड़ेंगे, बहुत ही जल्द जुड़ेंगे उम्मीद है। जैसा कि खबरें आ रही हैं, कल से अनलॉक 4.0 जो जारी हुई है गाइडलाइन की, उसके तहत आ रही है, तो बहुत ही जल्द हम आपके साथ में जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे तो हम आप लोगों से ये भी पूछेंगे आप लोगों ने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। जो विद्यार्थी कोचिंग में ऑफलाइन कहीं भी सम्मिलित हैं या फिर हमारे पास सम्मिलित हैं, वो आराम से आकर के शिक्षकों के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं, उनसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। कोई यदि मुझसे भी चाहता है तो वो वहां भी संपर्क में आ सकता है, और बाकी का विद्यालय के भी संपर्क में बार बार वो बना रहे, और वहां भी आपके लिए बहुत ही जल्द ऑफलाइन क्लासेस देखने को मिलेंगी। विद्यालय बहुत ही जल्द सुचारू रूप से, ज्यादा नहीं तो 9वीं-10वीं क्लास तो विशेष से चालू होने वाली है, 9, 10, 11, 12 जिस प्रकार से सुन रहे हैं। और यदि कोई बाधा रहती है कि जल्दी हमारे पास ऐसी कोई सूचना आ जाती है कि 40% ये वाला सिलेबस कम हो रहा है अपना, तो उस सिलेबस के बारे में हम लोग आपके साथ में कि नई जो क्लासेज हैं वो बिल्कुल विद शेड्यूल के साथ में इसी प्रकार से आपके साथ में उतारेंगे। आप लोग हमारे साथ में बहुत बहुत बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोग इसी प्रकार से चैनल पर जो भी अध्ययन सामग्री पड़ी हुई है, कोई विद्यार्थी बार बार उसको रिपीटेशन करे, आराम से खोल कर उसको देखे, जहाँ से नोट्स नहीं बनाए छूट गए जिनके, वो पिछली वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर के देखे, और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को पर्सनल मैसेज करे। टेक्निकल इश्यू है तो उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। कोई विद्यालय संबंधित प्रॉब्लम है तो विद्यालय में संपर्क करें और आप लोग हमारे साथ में बने रहें। इसी के साथ अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, ये विद्यालय परिवार की तरफ से आपको आपके लिए वादा है, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को बना पाएंगे। और आप परिणाम के लिए निश्चित रूप से आपके एग्जाम होंगे, उचित समय पे होंगे, 40% काट के होगा, ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी है राजस्थान बोर्ड ने, तो आप लोगों के लिए वो 40% कौन सा कटेगा ये आपको हम जल्दी ही सूचित करेंगे, और क्लास भी जल्दी चालू करेंगे। आप लोग बस हमारे साथ में लगातार जुड़े रहे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ मौका है, जिनका पिछला कुछ छूट गया है या कुछ समझ नहीं आया है, वापस से लेना है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो वहाँ आप लोग ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी और पूरी टीम की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।